अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो ऑल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान बाबा आदिल। नाज़रीन, आज बात करते हैं हम उस इलाके की जो बेलारूस से मशहूर है। नाज़रीन, आज हम ऐसे फैमिली के बारे में बात करेंगे जिनका सहारा बुझ गया है। जी हाँ नाज़रीन, घर में अगर मर्द होता है तो वो एक सहारा होता है, और जिस घर का सहारा ही छीन जाता है उन पर क्या बीती होगी। रमज़ान चल रहा है, ईद आने वाली है, घर का कोई सहारा नहीं है, घर का जो सहारा था वो फौत हो गया, और उसका जो दूसरा भाई है वो 15 दिनों में वो भी वो फौत हो गया। तो नाज़रीन, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माउनत करें, और हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि हमारी जो माँ है, बहनें हैं, उनकी हमारी हमसे उनकी जो हलफ है वो हो जाए। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही एक मसला हमारे सामने आया है, जिनका जो घर है उनका सहारा नहीं है, जो कि वो अहलिया है उनकी, उनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो भी ठीक नहीं है। घर में कोई नहीं है खाने के लिए, चावल नहीं है पकाने के लिए, रोटी नहीं है, और पीने के लिए यहाँ तक पानी भी नहीं है, मुंह धोने का भी सहारा नहीं है। नाज़रीन, अगर बात करें इंसानियत की, अगर इंसान में इंसानियत ना हो तो फिर अल्लाह ताला के पास फरिश्ते बहुत ज़्यादा है इबादत के लिए। नाज़रीन, गर्ज़ देखना है आज हमारे पास कि हमारा जो ज़मीर है वो कितना ज़िंदा है। जी हाँ नाज़रीन, बात करते हैं इनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी जनाब, एक चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि आप 1 महीने में 15 दिन में मेरे 2 भाई गए, 1 की 4 बेटियां, 2 बच्चे, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, उनका भी कोई अल्लाह से बगैर कोई आसारा नहीं है। 15 दिन के बाद दूसरा भाई था, छोटा भाई था, वो भी चला गया। अब उसकी बीवी है, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चा एक है। अब मैं इस घर को संभालूँ, उस घर को संभालूँ, अब मैं परेशान हो गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि अगर अल्लाह के नाम से कोई हमारी भी मदद हो सके, लेकिन इन बच्चों को मैं भी देखभाल ईद पर कर सकता हूँ। उसके अलावा मतलब उसके अलावा बात तो बहुत करनी थी, लेकिन मेरा दिल इसका बहुत दुखी है। सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? चावल है घर में? खाने के लिए कुछ है? नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये इनका बाथरूम है, अगर हम इनका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन ख्याल करेगा इनका। नाज़रीन, घर की ओर मत जाओ, घर पे भी ताला लगा है, ये हम जजमेंटल सोसाइटी में रहते हैं, घर की ओर मत देखो। घर के भी जो खिड़कियां हैं वो भी अभी नहीं बनी है, घर अभी पूरा खुला है, ये घर भी नहीं संभाल सकती है, छोटा बच्चा है, कम से कम इस छोटे बच्चे की ओर देखो। अब बने रहिए हमारे साथ और अपना ताउन दीजिए हमें।